अगर मन में कुछ करने का इरादा हो तो किसी भी काम को किया जा सकता है, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है अर्की उपमंडल के कुनिहार स्थित शाकली गांव के किसान संजय कुमार ने। ये युवा किसान 5 बीघा जमीन पर प्राकृतिक खेती कर अच्छी आजीविका कमा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। खेतों में काम करते हुए ये कुनिहार स्थित शाकली गांव के युवा किसान संजय कुमार हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश करते रहे, लेकिन इन्हें निराशा ही हाथ लगी। आखिर उन्होंने अपनी मिट्टी की खुशबू को पहचाना और अपने बुजुर्गों, दोस्तों और कृषि विभाग के सुझाव के बाद प्राकृतिक खेती की ठानी। संजय कुमार ने सिटी चैनल से बात करते हुए बताया कि प्राकृतिक खेती करने का उनका उद्देश्य रोग मुक्त और सस्ते उत्पाद दिलवाना था। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के बारे में उन्होंने शिमला के कुफरी में 5 दिवसीय सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षण प्राप्त किया और आज वो इस क्षेत्र में सफल हुए हैं। संजय का कहना है कि इस खेती को करने से जहां मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, वहीं इसका स्वाद रासायनिक विधि से तैयार की गई सब्जियों से हटकर होता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाली दवाई भी स्वयं गोबर, गुड़, बेसन, गोमूत्र के मिश्रण से तैयार करते हैं। संजय का कहना है कि वर्तमान समय में प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों की मांग बाजार में बढ़ी है और इसके अच्छे दाम उन्हें मिल रहे हैं। संजय ने कहा कि वो प्राकृतिक खेती कर सालाना 1.5 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं और आने वाले समय में इसमें और वृद्धि होने की उन्हें उम्मीद है। पहले मैं 2010 से पहले मजदूरी करता था और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने काफ़ी साक्षात्कार दिए। फिर अपने मेरा शौक शुरू से शौक था कि खेती की तरफ, फिर मैंने खेती की और फिर मैं युवाओं से भी अनुरोध करता हूँ कि वो खेती की तरफ ध्यान दे। जिनके पास खेत है वो प्राकृतिक खेती को अपनाए, इसमें काफ़ी अच्छे सोर्स है आय के, इससे फ़ायदा हो रहा है। और फिर इसको प्राकृतिक खेती को आप बहुत कम मूल्य पर कर सकते हैं। अगर आपके पास देसी गाय है तो 0 के बराबर खर्चा है। मैंने अभी मक्की और उड़द है, टमाटर, शिमला मिर्च, घिया, खीरा सब लगाए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती की अपार संभावनाएं हैं, बस जरूरत है इसे करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की। प्राकृतिक खेती को करने से किसान जहां अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करेंगे, वहीं मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में एक प्रयास किया जा सकता है। सिटी चैनल के लिए अर्की से राकेश कुमार की रिपोर्ट।